Hi, what's up guys? In this video, I'm going to teach you 20 new words that not only used in everyday English but also in IELTS English. For this video, I prefer considering common vocabulary to complicated one. Let's get started. Aaj hum janenge 20 naye shabd jo hum rozmarra ki zindagi mein use karte hain. Bade common hain. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ लें और याद कर लें. ये आपको IELTS एग्ज़ाम या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के समय में भी काम आएंगे. चलिए, फर्स्ट वर्ड इज़ सैड. सैड का मतलब उदास. सीखते हैं उसके साथ मिलते हुए चार नए शब्द. अनहैप्पी, नाखुश. सॉरोफुल, दुख से भरा हुआ. डाउनकास्ट, डिसअपॉइंटेड. Despondent, disheartened, right? कैसे इनका senses में प्रयोग किया जाता है? Happy, unhappy or sad. I don't know why Tom is sad and unhappy. मुझे नहीं मालूम Tom क्यों उदास है, क्यों नाखुश है. Sorrowful, her eyes were sorrowful and sad. Her eyes were sorrowful and sad. उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी, उदास थी. Downcast, disappointed. I'm downcast today to see my result. I didn't get good marks. I'm downcast today to see my result. I didn't get good marks. मैं बहुत उदास हूँ अपना रिजल्ट देखकर. अच्छे अंक ग्रहण नहीं कर पाया. Despondent, disheartened. I'm despondent with your efforts. I think you are a hard working guy, but you didn't produce any result. I am despondent with your efforts. I think you are a hard working guy, but you didn't produce any result. आइए आगे बढ़ते हैं. Happy, खुश. Elated, बहुत ज़्यादा खुश. Delighted, बागो बाग हो जाना. Blissful, आनंद में. Cheerful, खुशी से भरा हुआ. Happy, he made me so happy. वो मुझे बहुत खुश करता है. Elated, we are elated because we have got visa approval to visit Canada. आज हम बहुत खुश हैं. क्यों? क्योंकि हमें visa approval हो गया है हमारा Canada जाने के लिए. We are elated because we have got visa approval to visit Canada. Delighted, बहुत खुश. I am delighted to meet you. मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर. I am delighted to see you. Blissful, we had a blissful time together. I hope we will meet soon. बहुत हमारा इकट्ठा आनंद में समय गुजरा. उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे बहुत छेती. फिर से सुनिए सेंटेंस. We had a blissful time together. I hope we'll meet soon. Next, cheerful. Your daughter is cheerful. She always keeps smiling. Your daughter is cheerful. She always keeps smiling. आपकी जो daughter है, बेटी है, वो खुशी से भरी हुई है, हमेशा हंसती रहती है. आगे बढ़ते हैं. Delicious, बहुत tasty, बढ़िया. जब हमने food को appreciate करना है, हमारे पास ये शब्द हैं. Delicious, tasty. Flavorful, scrumptious. Appetizing, scrumptious. Appetizing, flavorful. याद कर लीजिए, यमी भी है हमारे पास एक शब्द. डिलीशियस, टेस्टी, तो आपने सुने ही होंगे. ओके, दिस फूड इज़ यमी. दिस फूड इज़ डिलीशियस. नो डाउट अबाउट दिस रेस्टोरेंट. इट प्रोवाइड्स फ्लेवरफुल फूड. नो डाउट अबाउट दिस रेस्टोरेंट. इट प्रोवाइड्स एपेटाइजिंग फूड. योर मदर मेक्स स्क्रम्पचुअस फूड. Your mother makes appetizing food. Okay, next, difficult. Tough and harsh situation. ये शब्द है हमारे पास. Hard, tough, onerous, strenuous, right? ये सभी शब्द हम use करते हैं difficult situations को बताने के लिए. It's very hard situation. Only you can tackle it. It's a very hard situation. Only you can tackle it.
बहुत हार्ड सिचुएशन है, सिर्फ आप इसे हैंडल कर सकते हो, मैं जानता हूँ आपकी काबिलियत को। टफ़, इट्स ए टफ क्वेश्चन टू सॉल्व इट, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है सॉल्व इट करने के लिए, इट्स ए टफ क्वेश्चन टू सॉल्व इट, राइट। ऑनरस, आई हैव मेड ऑनरस एफर्ट्स टू क्लियर द आइल्स, आई हैव मेड ऑनरस एफर्ट्स टू क्लियर द आइल्स, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आइल्स को क्लियर करने के लिए। स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस मतलब ये दो शब्द आप सीख लें, स्ट्रेनियस एंड ऑनरस, दैट मीन्स टफ हार्ड, यू नो बहुत ज़्यादा मेहनत। द गवर्नमेंट मेड स्ट्रेनियस एफर्ट्स टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, द गवर्नमेंट मेड स्ट्रेनियस एफर्ट्स टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपने देखा कैसे हमने इन 20 शब्दों का अर्थ को समझा, कैसे सीखा कि सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप मुझसे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस या आयल्स राइटिंग की क्लासेस लेना चाहते हो, आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।